हाँ देखिए, अब सबसे पहले तो फिर मैं आपको यही नोट करवा देता हूँ। देखो, एक बार आप ये नोट कर लो पीछे की चीज़, और फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे वर्तमान में जो गतियाँ चल रही है ना, तो वो गति मैं आपको लिखा देता हूँ। मैंने क्या है कि वक्री का भी निकाल रखा है, और जो सामान्य स्थिति से चल रहे हैं उनका भी निकाल रखा है, दोनों का निकाल रखा है। जैसे सूर्य है, तो इनकी क्या है कि ये जो है दैनिक गति है ये। हालांकि ये गणित का विषय है, मेरे को जो है इसमें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये थोड़ा प्रसंग बस आ गया तो मैं आपको लिखा देता हूँ। कोई बात नहीं है, ये तो इससे आप क्या है कि मतलब ऐसे तो क्या है कि गुणा भाग करने में आपको अभी क्या है कि इसलिए ये समझ में नहीं आएगा, क्यों गणित आपने पढ़ी नहीं है इसकी, इसलिए। बाकी इसमें क्या है कि सूर्य जो है ये 0.57.57 इतनी गति, मतलब ये दैनिक चल रहा है, यानी रोजाना एक डिग्री नहीं चल रहा है। पहले क्या है कि एक डिग्री चलता था, 30 दिन में क्या है कि वो वहाँ मतलब जो है ना दूसरी राशि में चला जाता था, लेकिन अब 30 दिन पहले ही चला जाता है। तो ये क्या है कि एक डिग्री से कम हो गया है, तो 57.57 गति पर चल रहा है, है ना। 0.6 हो गया, 0.6 हो गया नहीं, 0.6 नहीं होगा। ये यही तो है इस गणित में कि इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, 0.6 नहीं मानना है इसको। मतलब अपन जैसे गणित में अगर आप आगे मतलब इसकी गति के आधार पर आप निकालेंगे, तो हम 0.57 है तो 0.57 ही से ही मतलब आप जो है आगे गणना करेंगे, नहीं तो गणना में मतलब 0.6 मान लेंगे तो उसमें तो बहुत गणना में अंतर आ जाएगा, आगे बहुत फर्क आ जाएगा। तो इसलिए क्या है कि ये तो इतना ही मानना पड़ेगा। फिर दूसरी बात यह क्या है कि ये तो अंश है, किलोमीटर क्या, हाँ वही बता रहा हूँ। ये क्या है कि ये तो है, ये तो कहलाता है अंश, ये कहलाता है कला, ये कहलाता है विकला। तो ये क्या है कि यानी 30 दिन में 30 डिग्री चल, मतलब एक दिन में एक डिग्री लगभग पार करता है, लेकिन एक डिग्री नहीं कर रहा है वर्तमान में। तो ये क्या है कि एक अंश जो होगा उसमें 60 कलाएं होती हैं, फिर जो 60 कला होती है उसमें एक कला में 60 विकला होती हैं, है ना। तो उसके हिसाब से ये है, तो ये इतना चलता है। इसी प्रकार से चंद्रमा जो है ये आपका 12.51 और ये 0.18, ये एक दिन में क्या है कि इतना जो है वो चल रहा है अभी वर्तमान में। फिर मंगल है ये 0.44 और 14, ये इतने पर चल रहा है। बुध जो है 1.53.30 इस पर चल रहा है। गुरु 0.02.49, शुक्र 1.13.50। हाँ, अब ये गुरु का ये जो बताया था, ये क्या है कि ये वक्री की है, ये सामान्य की नहीं है। सामान्य की क्या है कि वो सही ढंग से निकाली नहीं, इसलिए क्या है कि उसमें तो ये क्या है कि गुरु जो बकरी होता है ना उसकी है ये गति, उसकी तो गति ठीक आ गई, लेकिन क्या है कि दूसरी जो मूल गति थी वो जो है मार्गी गति नहीं, मार्गी की तो गति जो है ना वो अलग होती
अब ये शुक्र है, फिर शनि की भी क्या है कि इसमें वक्री वाली जो गति है, क्या है कि उस गति में अंतर आ रहा है, इसलिए क्या है कि मैंने उसको, मतलब जो है ना, मेरे अभी वो समझ में नहीं है कि सही है या नहीं है, ये है। फिर शनि की आई है 0.02.31 और राहु की है, ये भी वक्री हमेशा ही रहता है खरी, तो इसकी तो वही है, तो इसकी 0.3.14 और केतु की इसकी है, ये तो दोनों का समान ही रहता है इनका, तो इसलिए इसमें तो कोई वो दिक्कत ही नहीं है ना। और वैसे आप लिखना चाहो तो भले ही हर्सल नेपच्यून प्लूटो को भी मैंने निकाली है, तो ये क्या है कि इनके बारे में तो अलग से ही फिर जो है कभी बता सकते हैं, बाकी इसमें अपने इसमें तो बताना संभव नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्या है कि इसकी है 0.2.28, इसकी है 0.1.16, इसकी है 0.1.16, इन दोनों की तो गति मतलब बराबर सी चलती है, इसकी गति जो है ना वो थोड़ी सी तो ये क्या है कि अभी क्या है कि इनकी गति में चेंजेज नहीं हुआ है, लगभग क्या है कि ये 6 साल से यही गति है। मैं क्या है कि हर बार क्या है कि जैसे परीक्षण करता हूँ तो उसमें क्या है कि ये आ रहा है, हाँ। केतु की भी साहब क्या है, ये वक्री की है? हाँ, केतु वक्री रहते हैं, राहु केतु तो हमेशा वक्री चलते हैं ना, इसलिए इनका तो कोई वो तो मतलब ये जो अंश है मतलब डिग्री, पीछे भी आ जाते हैं, बाइक में भी आ जाते हैं, तिरछे भी चलने लग जाते हैं, वो तो क्या है कि उसमें देखने से पता चलता है अपने को, जब आप पंचांग देखोगे ना तो उसमें क्या है कि पिछले भाव में आ रहा है, पिछले भाव में मंद गति से आ रहा है, तेज गति से आ रहा है, किस गति से आ रहा है, तो ये तो क्या है कि वो जो है ना, जब पंचांग से आपको पता लग जाए, ज्यादातर तो बैक में ही जाते हैं, पीछे ही जाते हैं। चलिए, ये तो खैर ये विषय तो क्या है कि आपको इस तरह के विषय तो क्या है कि वो तो गणित के विषय, तो वो तो क्या है गणित ज्योतिष आप पढ़ेंगे तब तो वो समझ में आएंगे, नहीं तो बाकी वो जो है इसी तरह से क्या है कि आप अगर जो है ना लग्न देखना चाहें तो क्या है कि लग्न का भी मैं आपको निश्चित समय लिखा देता हूँ, है ना, वो केवल अपने को क्या है कि जब कुंडली अपन देखेंगे ना तो कुंडली क्या है कि सही बनी हुई है नहीं बनी हुई है, उसको आप जो है परीक्षण करोगे तो उसमें आपको काम आएगा, इसलिए आप क्या है कि उसको भी आप लिख लीजिए। ये है लग्न का समय, कितने समय का कौन सा लग्न कितने समय का होता है, ये है। तो इसमें क्या है कि आप जैसे मेष लग्न है, मेष लग्न क्या है कि ये 1 घंटा 25 मिनट दूसरा क्या है कि वृष लग्न है, इसका समय है 1 घंटा 55 मिनट फिर देखिए मिथुन लग्न है, इसका समय ज्यादा है 2 घंटा 1 मिनट फिर कर्क लग्न है, इसका है 2 घंटा 15 मिनट
सिंह लग्न है, इसका है 2 घंटा 18 मिनट। फिर कन्या लग्न है, इसका भी 2 घंटा 15 मिनट। तुला लग्न है, दो घंटा 15 मिनट। वृश्चिक लग्न, इसका 2 घंटे 18 मिनट। फिर धनु लग्न है, इसका है 2 घंटे 15 मिनट। इसके बाद है मकर लग्न, 2 घंटे 1 मिनट। फिर कुंभ लग्न, 1 घंटा 55 मिनट। और फिर लास्ट में मीन लग्न है, ये है आपका 1 घंटा 25 मिनट। तो ये इस तरह से इनका समय निर्धारित है। इसमें क्या है कि अपन जब कुंडली में देखेंगे कि ये लग्न कहाँ से कितने बजे से मतलब ये प्रारंभ हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, तो ये हम कैसे जानें? मतलब क्या है कि जो सूर्योदय है, अब इसमें क्या है कि कुंडली जो बनती है उसमें ये जानने की चीज़ है कि जो भी कुंडली बनेगी वो क्या है कि स्थानीय समय के हिसाब से बनेगी। यानी कुंडली को क्या है कि अपन घड़ी के टाइम से नहीं बना सकते, जो घड़ी का समय है उसमें से अपने को क्या है कि जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको घटाना पड़ेगा, तो क्या है कि स्थानीय समय आ जाएगा, लोकल समय आ जाएगा। और जो लोकल समय आया उसमें भी फिर क्या है कि देशांतर सारिणी से जो भी 1-2 मिनट या 1-2 सेकंड जो भी टाइम होगा वो और माइनस करना पड़ेगा, तब फिर क्या है कि वो जो समय आएगा, जो जैसे लग्न का समय भी कह सकते हैं अपन कि मान लीजिए किसी का जन्म इतने बजे हुआ तो उसका निकालेंगे, तो उसी तरह से निकालेंगे तो क्या है कि माइनस कर लेंगे उनको, तो माइनस करने के बाद जो समय आएगा उस समय की कुंडली बनाई जाती है। हाँ, जैसे यानी जैसे कुंडली कितने बजे की होनी चाहिए ये है, तो जैसे किसी का जन्म मान लीजिए, पहले तो आप ये लिख लीजिए कि इसमें जो घड़ी का समय है उसमें से माइनस करना है, इसमें से स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड क्या है इसको, स्टैंडर्ड अंतर ये लिख लीजिए, स्टैंडर्ड टाइम तो वो जो है, तो ये स्टैंडर्ड अंतर इसमें से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये क्या है कि स्थानीय समय आ जाएगा। और फिर इसमें से अपन देशांतर घटा देंगे तो ये जो समय आएगा ये कुंडली का समय होगा, मतलब एक तरीके से यो मान लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए क्या है कि किसी का जन्म मान लीजिए 2 बजे हुआ दोपहर, यो मान लीजिए हम ये मान के चलते, तो कहाँ हुआ, अब स्टैंडर्ड अंतर तो सारणी में आपको देखना पड़ेगा पंचांग में, है ना, तो सबके अक्षांश दिए हुए हैं, रेखांश दिए हुए हैं, फिर स्टैंडर्ड अंतर दिया हुआ है, तो जो अंतर है वो अंतर इसमें से आप माइनस कर देंगे। जैसे जयपुर का दिया हुआ है -26:44 26 मिनट 44 सेकेंड, तो अब इसको क्या है कि हमने जैसे
माइनस कर दिया, है ना। ये जयपुर का है, मान लीजिए जहाँ भी पैदा होगा तो उस स्थान का स्टैंडर्ड अंतर अपने को देखना है और उसको इसमें से माइनस कर देना है। जब घटाएंगे इसमें से क्या बचेगा, सोलह सेकंड तो इधर बच गए, और इसमें से निकालेंगे तो फिर कितने बचेंगे, तियालीस ये बच गए, है ना, और इधर एक बच गया। मतलब ये था कि एक बजकर और 43 मिनट और 16 सेकंड, यानी 26 मिनट 44 सेकंड इसमें से अपने माइनस कर लिए, तो ये बच गया। अब इसमें से क्या है कि देशांतर सारणी और होती है, जिसमें क्या है कि उसमें दिया हुआ होता है कि इतनी तारीख को, इस महीने की इतनी तारीख को जो है इतना समय जो है वो देशांतर, 1.33 यहाँ, हाँ, तो ये देशांतर को फिर उसमें से माइनस करेंगे अपन। जैसे मान लीजिए क्या है कि किसी तारीख का कितना दे रखा है, तो आप तारीख के हिसाब से बोले पंचांग हो तो आप किसी के पास कोई भी तारीख डाल दो इसमें, जो भी तारीख हो तो उसके हिसाब से हम उसको माइनस कर लेंगे। उसके बाद में फिर आया, जैसे मान लीजिए किसी का 3 मिनट ही है, यूँ मान लीजिए यहाँ पर, तो ये 3 मिनट हमने माइनस कर दिया तो 1:30:16 हो गया, ये यूँ मान लीजिए एक तरीके से। तो ये जो समय आया, हालांकि उसका जन्म घड़ी में 2 बजे हुआ है, लेकिन कुंडली बनेगी 1:30:16 की, क्योंकि ये जो है वास्तविक समय ये है उसका। तो इस हिसाब से क्या है कि कुंडली मतलब जो है ना उसकी सही बन जाएगी। सर, ये 3 का मतलब क्या हुआ, देशांतर मतलब क्या है, जब जयपुर का टाइम ले ही लिया है? नहीं, ये तो क्या है कि स्टैंडर्ड अंतर कर लिया हमने जयपुर का, लेकिन उसके हिसाब से ये है कि 12 महीनों में सूर्य की जो गति है तो उसके हिसाब से भी तो क्या है कि 1-2 मिनट का अंतर जो आता है ना, वो अंतर इसमें कहलाता है। यानी एक देश, जैसे यहाँ सूर्योदय अलग टाइम हो रहा है, दूसरी जगह सूर्योदय अलग टाइम हो रहा है, तीसरी जगह, तो उसमें जो डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस के आधार पर ये अंतर की अलग सारणी होती है। तो जैसे वेस्ट एस्ट्रोलॉजी में, वहाँ वेस्टर्न में तो ग्रीनिट से चालू होता है, यहाँ भी उसी से ही है, अभी तो उसी से ही मानते हैं, उसी से ही। हाँ, हालांकि क्या है कि देखो, इसमें पहले तो जो मानते थे वो लंकोदय मान से मानते थे कि लंका में सूर्य कब होगा उसको, क्योंकि लंका को पहले ब्रह्मांड का जो है केंद्र माना जाता था कि भाई ये केंद्र है, तो यहाँ से आप मानो, तो हमारी जो एस्ट्रोलॉजी थी वो तो उसके आधार पर थी। उसके बाद में क्या है कि बीच में विद्वानों ने क्या किया कि उज्जैनी को केंद्र माना, कि उन्होंने कहा कि हमारा तो हिंदुस्तान का देखना है और हिंदुस्तान का केंद्र तो उज्जैनी है, तो उसमें क्या है कि उज्जैनी के हिसाब से अक्षांश हमारे माने गए हैं, और पाश्चात्य में क्या है कि ग्रीनविच से माने गए। लेकिन समस्या ये है कि आज तक किसी भी ज्योतिषी ने, जो हिंदुस्तान के हैं, उनमें से किसी ने भी ये तय नहीं किया कि ये ग्रीनविच का अक्षांश कितने अक्षांश पर उज्जैनी से पड़ेगा। भाई, आप उज्जैनी से आपने अक्षांश निर्धारित कर रखे हैं तो वो अक्षांश ग्रीनविच के जो अक्षांश है उनमें वो अक्षांश कहाँ पड़ेगा, कहाँ कहाँ से मतलब ये जो है माना जाएगा। तो ये क्या है कि उन्होंने किसी ने भी मतलब इसको जो है वो स्पष्ट नहीं किया। इसलिए क्या है कि जो पंचांग शुरू हुए, जो शताब्दी पंचांग जो बनाया, तो शताब्दी पंचांग जब से बनने लगे, ये क्या है कि 1901 से स्टार्ट किया था, उससे पहले शताब्दी पंचांग नहीं थे, ये अस्तित्व में आए 1901 से, तब से क्या है कि इन्होंने क्या है ग्रीनविच को ही आधार बना करके और अपना जो मेथड था सारा उसके आधार पर ही कर दिया। इसलिए क्या है कि अपने को पंचांगों में वो मेथड नहीं मिलता है, ये है। कौन सा बनेगा, क्या वृष लग्न, क्या आप जो लग्न बनेगा वो वृषभ लग्न ही बनेगा? नहीं, कैसे नहीं। तो लग्न कोई सा भी आ सकता है इस समय, कोई ऐसी बात नहीं कि एक कौन सा होगा, तो वो तो क्या है कि तारीख के हिसाब से आप निर्धारित करेंगे ना। जैसे इस महीने में आज आज कितनी तारीख है, जैसे मान लीजिए आप हैं, तारीख के हिसाब से निकालना, 24 तारीख है, हाँ, तो जैसे 24 तारीख है आज, और महीना पंचांग, हाँ, नहीं कोई, वो तो एक उदाहरण देखना है अपने को। 24 + 1 = 20 है, यूँ मान लीजिए, है ना। तो 24 जनवरी है, 14 जनवरी को सूर्य किस में आ गया, ये मकर में आ गया, तो क्या है कि सूर्य मकर लग्न में उग रहा है। सूर्य किस में उग रहा है,
मकर लग्न में उग रहा है। अब मकर लग्न से आप वो जोड़ते जो अभी सारणी लिखाई ना मैंने आपको लग्न की, तो मकर लग्न तो कितने समय तक रहेगा, सूर्योदय कितने बजे है, तो जयपुर का सूर्योदय इसमें आपको देखना पड़ेगा 7:16। जयपुर का सूर्योदय जैसे 7:16 है ना, तो 7:16 से इसमें से आप माइनस कर लीजिए, ये कौन सा ये वाला जयपुर का ये, तो ये माइनस करने पर कितना आएगा, ये आया है ठीक है ना, आप देख लेना एक बार, गलत है शायद ये है ना, 9 आएगा शायद है, उनतालीस आएगा, नहीं नहीं 49 तो नहीं आएगा, वो तो क्या है एक इसमें चला गया ना, तो अब ये क्या है कि 6:39:16 पर मकर लग्न शुरू हो रहा है, ये है। अब यहां से अपन क्या है कि उसको जोड़ लेंगे कि मकर लग्न कब खत्म होगा, फिर उसके बाद में कुंभ लग्न कब होगा, मेष लग्न कब आएगा, वृष लग्न कब आएगा, जो समय 1:30 वाला जिस लग्न में पड़ेगा उस लग्न की कुंडली बनी है ना, तो वो क्या है कि आप जोड़ करके उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और फिर आपके पंचांग से भी आप भले उसका मिलान कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं कि मकर लग्न उसमें कब से शुरू हो रहा है, तो ये भी क्या है कि आपको पता लग जाएगा उसमें कि मकर लग्न उसमें कितने बजे शुरू कर रहा है, है? यदि पंचांग में कोई मिस्टेक होगी तो उसका भी आपको पता लग जाएगा कि भाई इसमें 14 जनवरी का लिया 7:16। हाँ 14 जनवरी का नहीं है ये, तो 14 जनवरी से शुरू हो गया, वो तो क्या है कि रोजाना इसी हिसाब से चलेंगे, केवल जो है 1 मिनट का अंतर आएगा पर डे का, वो अंतर अलग है, वो अंतर तो क्या है कि सूर्योदय में जैसे जैसे अंतर आता चला जाएगा वैसे वैसे, तो आज का सूर्योदय हमने ले लिया तो इसलिए इसमें तो हमें कोई करने की जरूरत है ही नहीं कुछ भी, हमने सूर्योदय आज का लिया है 24 तारीख का, न कि 14 तारीख। ये तो उदाहरण दिया है कि भाई मकर में आ गया सूर्य, इसलिए क्या है कि सूर्य मकर लग्न में उगने लग गया, ये है। जैसे ही सूर्य चेंज होगा तो दूसरा अगले लग्न में उगने लग जाएगा 14 फरवरी से, फिर आगे मकर की बनाएंगे, मकर की कैसे बनाएंगे, ये तो जो समय 1:30 की है तो 1:30 पर जो लग्न आएगा उसकी बनाएंगे, दिन के ये तो क्या है कि सूर्योदय का है ये जो लग्न है, ये किसी का जन्म होगा तो मकर का, ये तो क्या है कि सूर्य उगा कब 6:39 पर यहाँ, और तभी से शुरू हो गया मकर लग्न, ये है। पर इसमें ये नहीं समझ में आया ना लग्न क्या बनाएंगे, कौन सी राशि, आप समझे ही नहीं इसमें, ऐसे आप जोड़ेंगे ना, इसमें अभी आपको सारणी लिखाई उसको आप बोलिए वो मकर लग्न कितने मिनट का है उसमें, मकर लग्न हाँ 2 घंटे 1 मिनट हाँ मिनट। हाँ तो ये 2 घंटे 1 मिनट जोड़ लीजिए आप इसमें 8:40 पर ये स्टार्ट हो जाएगा कुंभ लग्न, फिर अब कुंभ लग्न कितना है फिर उसमें इसमें जोड़ लीजिए है, हाँ 49 नहीं 49 तो कैसे होगा, 26 अच्छा हाँ तो ये कर लीजिए। अब जैसे क्या है कि कुंभ लग्न 8:50 पर स्टार्ट हो, अब कुंभ लग्न का कितना टाइम है, 1:55 हाँ तो 1:55 इसमें जोड़ लीजिए आप, तो ये 10:45:16 आ गया। अब ये यहाँ पर मीन लग्न शुरू हो गया, फिर आगे मीन लग्न का टाइम जोड़ लीजिए, तो 1:30 जहाँ आ जाएगा ना, एक 1:30 से पहले या बाद में कहाँ तक चलेगा तो उसी लग्न की कुंडली बनेगी, ये है। एक प्रश्न है इससे अलग, जो पंचांग मिल रहा है इसमें दिखता है पूर्णिमा अंत और अमावस्या अंत, ये तो क्या है कि नहीं नहीं तिथि नहीं है, ये महीने की शुरुआत है, तो हमारे क्या है कि जो मध्य प्रदेश तक इधर क्या है कि आप ले लीजिए यहाँ से जो मध्य भारत है अपना, मतलब पंजाब से इधर
तो इसमें क्या है कि यहाँ तक का जो हिस्सा है, इस हिस्से में तो अपन मानते हैं कि महीने का प्रारंभ अपन शुक्ल प्रतिपदा से मानते हैं, ये मान लीजिए, है ना। और वहाँ मानते हैं कृष्ण प्रतिपदा से आगे, है ना। दक्षिण भारत में आप जाओगे तो पूर्णिमा से आरंभ मानते हैं। तो ये अंतर है उसमें, यानी महीने का अंत कब हुआ, महीना कब से प्रारंभ हुआ और कब से अंत हुआ। तो क्या है कि दक्षिण भारत के लोग तो क्या है कि पूर्णिमा से महीने का प्रारंभ करके पूर्णिमा को महीना खत्म कर देते, और अपने यहाँ क्या है कि अमावस्या से प्रारंभ कर करके अमावस्या को खत्म कर देते हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये तो जहाँ भी महीने का प्रारंभ है ना उसके लिए कहा है, ये है। तो उसमें यही होता है कि कई बार जैसे उधर के निमंत्रण पत्र आ जाते हैं तो कोई एक महीने बाद पहुँचता है। तो ये तो क्या है कि मानने वाली बात है। और इसमें क्या है कि बातें भी दोनों शास्त्रीय हैं, ऐसी बात नहीं है कि उसमें क्या है कि हाँ कुंडली तो एक ही बनेगी, लेकिन कुंडली अब बनाने वाला गलत कर देता है ना, जैसे वो समझ नहीं पाता। जैसे यहाँ कोई व्यक्ति क्या है कि यहाँ पर आए और हरिद्वार में पैदा हुआ है, अब वो उसके हिसाब से वो अगर हिंदी तिथि बताता है तब तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर वो तारीख बता देगा तब तो सही, तारीख तो एक ही रहेगी, वो तो बदलेगी नहीं वहाँ भी। लेकिन अगर उसने हिंदी तिथि बता दिया कि भाई हमारे यहाँ आषाढ़ में कृष्ण पक्ष में हुआ और इतनी तिथि, अब वहाँ जो कृष्ण पक्ष हो अपने यहाँ तो शुक्ल पक्ष हो जाएगा, तो 15 दिन का डिफरेंस आ जाएगा उसमें। हम 15 दिन आगे की बना देंगे या 15 दिन पीछे की बना देंगे, जबकि है उसका जन्म कहीं अलग। इसीलिए क्या है कि जितने भी जैसे सिंधी है, पंजाबी है, इनकी जो कुंडलियाँ आती है उसमें क्या है कि ये बीमारी बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि यहाँ का जो पंडित बनाता है वो 15 दिन आगे की बना देता है, कभी पीछे की बना देता है। अच्छा, मतलब यहाँ कृष्ण पक्ष बोलते हैं तो वहाँ शुक्ल पक्ष बोलते हैं। वहाँ शुक्ल पक्ष बोलते हैं, ये है। और इसी तरह से क्या है कि दक्षिण भारत में एक महीने का डिफरेंस हो जाता है पूरा अमावस्या की जगह, वहाँ क्या है कि वहाँ पूर्णिमा से मतलब महीना 15 दिन पहले से महीना शुरू हो गया और आगे 15 दिन बाद तक खत्म हुआ, तो कई बार एक महीने का डिफरेंस आ जाता है। तो ये तो आप क्या है कि जब कुंडलियाँ देखेंगे ना तब आपको पता लगेगा कि इसमें जो है क्या चीज है। लेकिन हमको यहाँ जो जयपुर में तो पूर्णिमा देखते हैं, अमावस्या देखते हैं। यहाँ यहाँ पर तो क्या है कि अपन जैसे जैसे अमावस्या जैसे कल थी, ये मान लीजिए। तो अब ये क्या है कि हिंदी जो महीना शुरू होगा ना, तो वो तो क्या है कि अपने 15 दिन पहले शुरू हो गया। अपन पूर्णिमांत देखते हैं, अपने यहाँ पूर्णिमा होने के बाद में फिर दूसरे से स्टार्ट मान लीजिए। अब ये क्या है कि लिखते अपन पूर्णिमा के 15 है, मतलब 15 लिखने का मतलब 15 दिन ही हुए। अमावस्या के 30 लिखते हैं, 30 का मतलब महीना पूरा हो गया। तो लिखने में तो हम सही लिख रहे हैं लेकिन मान उसको गलत रहे हैं, ये है। और दक्षिण भारत वाले तो वही मानते हैं कि पूर्णिमा पर 15 दिन हुए महीने के और 30 दिन हुए अमावस्या को, ये है। चलिए अब आते हैं अपन कुंडली पर। हाँ, अब देखिए ये जो लग्न है इसको हमने लग्न कहा। तो इसमें जो अंक आते हैं वो तो क्या है कि राशि के होते हैं, है ना। इसमें तो कोई आपको कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, जैसे एक आएगा तो मेष राशि का है, दो आएगा तो वृष राशि का है, तीन आएगा तो मिथुन का है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। तो ये तो कहलाता है लग्न, है ना। ये तो क्या है कि कल भी आपको जो बताया था ये लग्न कल, तो मुख्य चीज तो आपको लग्न का ध्यान रखना। और ये जो दो स्थान है ये त्रिकोण भी कहलाते हैं, इनको त्रिकोण भी कहते हैं, इसको और इसको। ये त्रिकोण कहलाते हैं। तो ज्यादातर तो ध्यान अभी इन्हीं पर केंद्रित करना है आपको, लग्न पर और त्रिकोण पर। अब इसमें क्या होता है कुंडली में, जैसे मेष लग्न की कुंडली है, यहां पर एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और बारह। तो इसमें क्या है कि ये लग्न जो है इसकी त्रिकोण से मित्रता रहती है,
यानी ये भाव और ये भाव, ये तीनों के जो स्वामी हो मित्र होंगे, जैसे इसका मंगल है, इसका सूर्य है, इसका बृहस्पति, तो इसमें इसमें और इसमें क्या है कि घनिष्ठ मित्रता है, एक पांच और नौ में, हाँ इनमें घनिष्ठ मित्रता है। ग्रह कोई भी है? नहीं, ग्रह की बात तो अलग है, यानी इन भावों में मित्रता है, यूं मान लीजिए इनके भाव के जो स्वामी मालिक है उनमें मित्रता है आपस में, है ना। अब आपस में मित्रता इसी प्रकार से क्या है कि ये जो ये वाला है दूसरा भाव, सातवां भाव और दसवां भाव और ग्यारहवां भाव, ये मान ली, हाँ, तो इनके स्वामी आपस में मित्र हैं। दो सात ग्यारह। हाँ दस मान लो, ग्यारह भी मान लो, इसमें जैसे दोनों का शनि है ना ये, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इसमें दूसरी कुंडली जो आएगी, जैसे मान लीजिए हमने वृष लग्न की बना दी यहाँ से, तो आपको अब उसका जैसे यहाँ से हमने वृष लग्न की बना दी, दो तीन चार अभी, तो यहाँ जो दूसरी राशि है, यहाँ की जो राशि है और यहाँ की जो राशि है, इनके स्वामी जो है वो मित्र होंगे। पहले वाली किसकी थी? मेष की। हाँ नहीं, वो तो ये तो उदाहरण के लिए है, आपको भले लग रही आवश्यकता नहीं है इसमें। तो ये क्या है कि अब जैसे ये तीनों मित्र हो गए, है ना। अब इसमें क्या है कि जैसे चौथा है, इसका स्वामी चंद्रमा है, इसका स्वामी मंगल है, और फिर इसका स्वामी गुरु है, तो ये तीनों मित्र हुए इसमें, है ना, ये नहीं है। तो चार सात और ग्यारह आप ऐसे मान लीजिए, मतलब कि सर आपने सब जगह त्रिकोण ले लिए। नहीं, वो त्रिकोण तो केवल इनको ही कहते हैं वैसे, लेकिन ये भी त्रिकोण ही है, यूं मान लीजिए, लेकिन इसको त्रिकोण कहते नहीं है। हाँ तो ये क्या है कि ये आपस में मित्र है। अब ये जो इनकी मित्रता है, तो ये क्या है कि तीनों और ये तीनों, इस तरह से ध्यान में रखना आपको एक तरीके से। तो एक तो मोटी जानकारी ये रखनी है कि हमारा जो समय वर्तमान में जो चल रहा है, जिसको हम गोचर भी कहते हैं, जिसको गोचर कहते हैं, तो क्या है कि सबसे प्रभाव हमारा क्या है कि गोचर का प्रभाव हो रहा है। यानी ये जो कुंडली, जो जन्म कुंडली थी ना, वो तो हमारे जन्म के समय की थी, अभी वर्तमान में हमारे ऊपर जो प्रभाव हो रहा है वो किसका हो रहा है? गोचर का हो रहा है। तो और गोचर में क्या है कि गोचर का फल देखने से पहले एक चीज हमको देखनी पड़ती है सबसे पहले, यानी हम क्या है कि तुरंत कुंडली खोलते हैं और बोलने लग जाते हैं कुछ भी, तो ऐसा नहीं करना है। मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहले मुझे क्या चीज़ देखनी है। तो कुंडली को देखने से पहले, गोचर देखने से पहले, सबसे पहले देखना है दशा महादशा। नहीं सर, एक मिनट है ना। हाँ एक बार दोबारा से बता दो, मित्र कौन कौन से हुए इसमें? मित्र तो यही है, ये और ये और ये, ये और ये, मतलब जो ऐसे आप त्रिकोण बना लो यूं, और यूं त्रिकोण बना लो। किसके लिए? मेष लग्न में आपने कहा कि वो, उसमें तो उसमें दसवां भाव इसलिए आ गया क्योंकि वो शनि का ही था, इसलिए बाकी क्या है कि अन्य में नहीं, अन्य में यही आएगा। तीन दो भी बताया था, सर दूसरे वाले भाव का मित्र कौन कौन हुआ? दूसरे का मित्र नहीं है, नहीं मित्र कोई हो जाएगा भाई दिवे, लेकिन उसमें क्या है कि ऐसा नहीं, जैसे इसमें बुध आ गया है ना, इसका मालिक आ गया शुक्र, इसका मालिक आ गया कौन? मंगल। अब ये क्या है कि तीनों अलग अलग है, एक सम है, एक दूसरा है, एक दूसरा है, नहीं तो, पर तो अलग अलग आएंगे, वहां मित्रता नहीं आएगी। दसवें भाव में जाना चाहिए था ना आपको, तो किसको?
जब दूसरा छठा हाँ और त्रिकोण तो यही बन रहा है दसवां भाव। इसको त्रिकोण नहीं देखना है इसमें आपको, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, आपको तो इन दो चीजों का पहले ध्यान रखना, पहले आप और पर विचार मत करो। इसमें ऐसे नीचे ए स्टेप से चलना पड़ेगा, जेड तक जाना पड़ेगा। अपन क्या डायरेक्ट ही जेड पे जा रहे हैं ना, तो समझ में आता नहीं है। पहले आप क्या है कि केवल इस चीज को देखो, डायरेक्ट जेड पे चलेंगे, इसको चलो, इसको देखो आप और इसको देखो। अच्छा, केवल इसको देखना है अपने को। तो इसमें क्या है कि ये जो स्थान है अपने, लग्न का स्थान, त्रिकोण का स्थान और ये त्रिकोण का स्थान। लग्न इसमें क्या है कि मैंने कल भी बताया था आपको कि सबसे ज्यादा बलवान होता है ना। तो लग्न बलवान होता है, इसलिए क्या है कि दशा महादशा जैसे हम देखेंगे कि किसकी चल रही है अभी वर्तमान में। तो मान लीजिए वृष लग्न की कुंडली है, तो उसमें क्या है कि ये जो है शुक्र है इसका, इसका है बुध और इसका है शनि। यूं मान लीजिए ये तीन ग्रह, शुक्र बुध और शनि, अगर इन तीनों में से किसी की महादशा है और किसी की अंतरदशा है इनमें से ही, और किसी का इनमें से ही प्रत्यंतर है, तीन ही होता है। एक तो क्या है कि दशा होगी यानी महादशा किसकी है, फिर उसके बाद में अंतरदशा किसकी है, उसके बाद में प्रत्यंतर किसका है। तीन चीज ही उसमें जो है लिखी हुई रहती है आपका जो भी चार्ट आएगा उसमें। तो अगर इन तीन में से महादशा किसी की चल रही, तो इसका मतलब मान लीजिए पूरी महादशा बहुत अच्छी निकलेगी, मतलब उस महादशा में उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई रोग, कोई दुख कुछ नहीं आएगा, ये स्पष्ट है। ये आप किसी की भी कुंडली रख करके आप देख लेना कि अगर महादशा क्या है कि इसकी इसकी या इसकी महादशा चल रही है तो बहुत ही दी बेस्ट निकलेगी, ये मान लीजिए। और उसमें क्या है कि इनका जो अंतर आ रहा है आपस में, जैसे मान लीजिए इसमें इसका अंतर आ गया, इसमें इसका प्रत्यंतर आ गया, इसमें इसका अंतर आ गया, इसका प्रत्यंतर आ गया, आपस में भी अगर इनका अंतर प्रत्यंतर आता है तो बहुत दी बेस्ट निकलेगा उसमें। उसको क्या है कि जो भी लाभ मिलना होगा वो लाभ उसको क्या है कि अवश्य मिलेगा, यह मान लीजिए। तो एक तो क्या है कि ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अब दूसरी बात क्या है कि ये जो स्थान है, तो इसमें से क्या है कि ये जो स्थान है इसमें कुछ इस स्थान को, कुछ इस स्थान को और कुछ इस स्थान को, तीनों को त्रिषडाई को मानते हैं। कुछ लोग क्या है कि सातवें को न मान करके और छठे को मान लेते हैं, है ना। कोई बात नहीं, उसमें आप छठा भी मान लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तीन छः ग्यारह भी जो है ना, तीसरा भाव, छठा भाव और ग्यारहवां भाव, ये है। सातवें को इसलिए नहीं मानते क्योंकि सप्तम भाव केंद्र में है, इसलिए क्या है कि उन लोगों ने इसको हटा दिया। हालांकि सप्तम को मारक स्थान भी मानते हैं, लेकिन क्या है कि ये शत्रु भाव होने से इसका ग्रहण कर लिया उन्होंने। तो तीसरा भाव, छठा भाव और ग्यारहवां भाव, ये है अनिष्ट कारक। इनकी दशा महादशा यदि होगी, जैसे मान लीजिए इस लग्न की कुंडली और उसमें चंद्रमा की महादशा चल रही है, या शुक्र की महादशा चल रही है, या बृहस्पति की महादशा चल रही है, तो सबसे खराब निकलेगी। किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई मतलब जो है ना उसको सुख नहीं मिलेगा। तो ये क्या है कि सबसे पहले देखने की चीज आपको कुंडली में ये है, उसके बाद में फिर अपन फलित की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये देखना अपने को कि महादशा महादशा किसकी है। तो इन तीनों की अगर आएगी तो ये तो क्या है कि श्रेष्ठ है, यू मान लीजिए। और इन तीनों की आएगी तो ये मान लीजिए कि ये सबसे ज्यादा खराब। अब इसमें रह गया ये धन भाव, है ना। इसकी महादशा अच्छी मानी जाती है, ये सुखेव से, ये केंद्र के तो चारों की अच्छी मानी जाएगी, यूँ मान लीजिए। जो क्योंकि केंद्र का बल इसको मिल रहा है इसलिए ये ठीक हो गया, और इसको क्या है कि जो है फलित में अच्छा मान लिया गया। तो ये क्या है कि आपको चारों केंद्रों की है तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। चारों केंद्रों की यदि महादशा चल रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन की इस भाव की चल रही है तो भी आपको क्या क्या अच्छा रहेगा। और ये जो द्वादश है, ये भाव क्या है कि कुछ अंशों में लाभकारक है, कुछ अंशों में हानिकारक है, ये दोनों का ये मिश्रित कारक है। तो दशा महादशा में क्या है कि हम पहले देख लेंगे कि भाई इसका समय ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसके अनुसार फिर आगे का हम फलित देखेंगे। ये इसलिए है क्योंकि पहले अपन बैकग्राउंड देखें, बैकग्राउंड को हमने नहीं देखा और कोई अच्छा फल जो है मिलने वाला है, लेकिन अब चूंकि वो दशा महादशा योग्य है ही नहीं उस फल को देने में, तो फिर हमारा जो फलित होगा
वो गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हमको ये चीज़ देखनी है, फर्स्ट स्टेप, तो ताकि ये पता लग जाए कि भाई इसकी दशा महादशा तो ठीक है अभी, तब तो क्या है कि ठीक फल जो भी इसको मिलने वाला होगा वो मिल जाएगा। और यदि क्या है कि महादशा ही यदि खराब चल रही है, प्रत्यंतर भी खराब चल रहा है, अंतर भी खराब चल रहा है, और अभी क्या है कि ये लाभ चाहता है, तो अब वो लाभ कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, चाहे उसकी कुंडली में योग हो उस लाभ का, लेकिन क्या है कि वो उसे नहीं मिल पाए। तो एक बात तो अपने को ये ध्यान में रखने की, हाँ अष्टमेश तो ये तो मृत्यु भाव है, तो इसकी तो क्या है कि सबसे ज़्यादा मतलब जैसे अपन ने ये किया तो इसमें आप क्या है कि इसको चार ही भाव मान लो, तीसरा छठा आठवां और ग्यारहवां कर लो उसको, ये है, ये तो क्या है कि मृत्यु भाव है, तो इसका तो क्या है कि देखना ही नहीं कुछ, ये तो बहुत ही अनिष्टकारक रहे कि मृत्यु भाव की है। तो इसलिए सर इसे एक बार कृपा करके दोबारा समझा दूंगा। हाँ हाँ, इसमें क्या है कि यही है कि इसका जो स्वामी है, इसका स्वामी है, इसका स्वामी है, ये तो अच्छा फल देने वाले ग्रह हैं, तीन ग्रह। और फिर दूसरा क्या है कि ये चार है, जैसे मान लीजिए तीसरा भाव से इसी कुंडली की, नहीं नहीं कोई सी भी कुंडली हो आपको, जैसे यहाँ कर यहाँ दूसरी कुंडली जैसे मान लीजिए हमने बदल दी तो भी वही आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हमने तुला लग्न की ले ली मान लीजिए, यही तो समझने की बात है ना कि आप जब इसको बदल करके आप समझोगे तो आपको ये है, जैसे ये तुला लग्न वाली लिख ली जैसे आपने, तो क्या है कि ये इसका मालिक शुक्र है, इसका मालिक शनि है, इसका मालिक बुध है, तो ये तीनों क्या है कि अच्छे फल देने वाले और आपस में मित्र हैं और बहुत अच्छा फल देंगे उसको, तो इनकी महादशा में क्या है कि अच्छा फल होगा। लेकिन ये चार जो है ना, जैसे ये है और ये है, ये है और ये है, तो इनकी महादशा क्या है कि अनिष्टकारक रहेगी। जैसे बृहस्पति की आ गई तो बृहस्पति की अच्छा फल नहीं देगी, ये भी बृहस्पति की है, और ये शुक्र की है, मान लीजिए शुक्र की चल रही है, तो भी क्या है कि इसको यहाँ अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे लग्न के दृष्टि से तो अच्छी है लेकिन वो अष्टमेश भी है, तो इसमें क्या होगा, आधी महादशा खराब और आधी महादशा अच्छी निकलेगी। अब इसमें यहाँ से गिनना है अपने को, यानी लग्न पहले आता है तो शुरू का मतलब जो शुरू का आधा हिस्सा है, जैसे मान लीजिए इसमें महादशा जैसे मान लीजिए चल रही है शुक्र की चल रही हो मान लीजिए, अब शुक्र की महादशा कितने वर्ष की है, 20 वर्ष की है, तो शुरू के 10 वर्ष तो अच्छे निकलेंगे, उसके बाद के जो 10 वर्ष है वो फिर इसके निकलेंगे, मतलब दो भाव बट गए ना इसमें, तो केंद्र का फल तो मिलेगा आधी महादशा तक ही, फिर उसके बाद में आधी जो महादशा आएगी उसमें फिर इसका फल मिलेगा, वो अनिष्टकारक फल मिलेगा, तो वो आधी ही सही निकलेगी, आधी सही नहीं निकलेगी। तो इस तरीके से क्या है ध्यान में रख। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ जैसे जैसे दो भाव है ये मान लीजिए, तो जैसे शनि का है, तो शनि का जैसे मान लीजिए 10 नंबर यहाँ आ गया, 11 यहाँ आ गया, तो अब उसमें क्या होगा कि उसमें पहले ये आया, 8 के बाद 9 इधर चलेंगे ना, तो उसमें शुरू की फिर जो है ना वो आधी गड़बड़ निकलेगी, बाद की आधी अच्छी निकलेगी। तो ये क्या है कि अपने को भाव के हिसाब से ही उसमें देखना है। सर हमेशा शुरू की अच्छी निकलती है, यही तो बता रहा हूं ना आपको कि भाई पहले जैसे इसमें शुक्र जो है ना इसका मालिक पहले इसका मालिक है, इसका तो बाद में है, तो कहीं पर बाद में भी हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, पहले अच्छे भाव का भी मालिक हो सकता है, ऐसा नहीं है ना। जैसे क्या है कि जैसे मान लीजिए शनि आया, जैसे मान लीजिए आप इसमें मिथुन लग्न की कुंडली ले लीजिए, जैसे जैसे ये मिथुन लग्न की ले ली हमने, ये ले ली, तो अब ये क्या है कि जैसे शनि की महादशा चल रही है जैसे इस व्यक्ति को, अब शनि क्या है कि इसका मालिक है और इसका भी मालिक है, तो पहले तो ये नंबर आएगा ना, तो पहले क्या है कि आएगा तो पहली खराब निकलेगी यहाँ की शुरू की, फिर बाद का तो ये भाग्य का स्थान है, ये अच्छा स्थान है, त्रिकोण स्थान है, तो फिर बाद की आधी अच्छी निकलेगी। आगे समझ में, हाँ सिंगल सूर्य हुआ तो उसका लोग एक ही मालिक है,
किसका? सूर्य का तो मालिक है यहाँ। हाँ सूर्य की माँ दशा है, तो ये माँ दशा तो अच्छी निकलनी नहीं है। ये 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 केंद्र में है तो अच्छी निकलेगी क्या? अगर ये केंद्र में है, केंद्र में होता तब तो अच्छी होती, लेकिन केंद्र में नहीं है ना यहाँ। ऐसा नहीं है, लेकिन आप क्या है कि अपनी कुंडली में देखना कि किसकी महादशा चल रही है, है? इनका कहने वाला जो सूर्य लग्न में इसमें होता केंद्र में आ जाएगा जब, तो केंद्र के हिसाब से तो अच्छी निकलेगी, लेकिन केंद्र में है नहीं तो तृतीय स्थान में है तो अच्छी नहीं निकलेगी। ये है क्योंकि इसमें वही नियम है कि ये जो है सिंह लग्न का जन्म है, जैसे किसी जातक का सिंह लग्न का जन्म है, हाँ तब उसका उसके लिए पूछ रहे हो। सिंह लग्न में तो अच्छी निकलेगी, अगर लग्न में सिंह राशि है तब तो क्या है कि अच्छा ही फल मिलेगा उसकी महादशा में, क्योंकि लग्नेश की महादशा तो कभी जो है खराब होती ही नहीं है। ये है वो तो क्या है कि ये दो स्थानों के आ जाते हैं ना, वहीं दिक्कत होती है, बाकी अन्य में नहीं होती। नहीं वो एक अलग चीज है, वो पहले आप एक बार तो इस बात को आप समझिए, वो नीच उच्च का विचार तो क्या है कि बाद में देखेंगे, अभी तो आपको बताया भी नहीं कि भाई नीच का कहाँ होगा उच्च का कहाँ होगा, ये है उसमें भी कई समस्याएं हैं। तो एक बार तो आप तो ये समझ लीजिए कि भाई ये इस तरह से हम सबसे पहले हम महादशा को टच करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि महादशा अभी इसकी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही, फल देने वाली है या नहीं, ये चीज़ अपन उसमें देखेंगे। सर अब जैसे अगर मान लीजिए ये 11 और 10 है दोनों और शनि की महादशा चल रही है, हाँ अब कितने साल निकल चुके उसके, जैसे शनि की 19 वर्ष की है तो क्या है कि 9.5 वर्ष तो खराब निकलेंगे, फिर उसके बाद में अच्छा समय शुरू होगा, ये है। अच्छा अच्छा भी शुरू होगा, हाँ ये भाग्य हो गया ना फिर भाई, ये अष्टमेश भी है मृत्यु भाव का मालिक भी और भाग्य का मालिक भी यही है, तो भाग्य का फल तो बाद में देगा, पहले मृत्यु वाला फल देगा, तो मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है शुरू में और कुछ दे सकता है, लेकिन बाद में क्या है कि फिर उसके बाद से अच्छे फल की महादशा आखिर वाले समय अच्छा देती है। नहीं ऐसा नहीं है, वो तो जैसे मान लीजिए 10 नंबर यहाँ आ जाए 11 यहाँ आ जाए तो पहले वाले अच्छा हो जाएगा, वो तो अपन इससे देखेंगे ना कि राशि उसकी पहले कहाँ पड़ रही है, जैसे वृष लग्न की कुंडली में ये राशि यहाँ पड़ेगी और यहाँ पड़ेगी तो क्या है कि वहाँ पहले वाला पीरियड अच्छा आएगा, बाद वाला पीरियड खराब आएगा। आपको क्या शंका हुई उसमें ये बताइए आप। नहीं समझ में तो ये है कि जैसे ये वृष लग्न की कुंडली हमने बना ली, ये मान लीजिए आप नहीं क्वेश्चन नहीं है, जैसे क्या है कि ये वृष लग्न की कुंडली है 5, 6, 7, 8, 9 नहीं ये तो इसमें तो आ गया ज्यादा, कर्क लग्न की लिखो इसको तब आएगा ये, तो आपको अभी वो बात भी समझ में आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है, जैसे कर्क लग्न की है ये है जैसे, अब इसमें क्या है कि इसके अंदर जैसे 10 नंबर यहाँ आ गए, अब इस व्यक्ति की जैसे मान लीजिए शनि महादशा चल रही है तो शनि महादशा में अब इसमें क्या है कि पहले सप्तम भाव का फल देगा यानी केंद्र भाव का फल देगा, तो केंद्र भाव का फल देगा तो पहले वाले जो 9.5 वर्ष है वो इसके अच्छे निकलेंगे, उसके बाद में फिर क्या है कि ये जो इसका खराब समय आएगा फिर 9.5 साल लास्ट के जो है वो खराब निकलेंगे इसमें, तो यहाँ बदल गया ना वो। इसी तरह शुक्र में पहला अच्छा आएगा फर्स्ट हाफ, हाँ जैसे शुक्र महादशा चल रही है तो ये केंद्र है तो यहाँ का क्या है कि अच्छा फल मिलेगा, लेकिन यहाँ का फल अच्छा नहीं मिलेगा, तो दो दो ग्रहों के जो मालिक है ना उनमें यही समस्या है कि अगर एक अच्छा आ जाता है दूसरा अच्छा आ जाता है तो उसमें महादशा आदि आदि बट जाती है। ये है, तो और इनका आएगा तीनों का तो ये इष्ट कारक रहेगा, बाकी क्या है कि केंद्र का सारा इष्ट कारक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, धन भाव के अगर इसके मालिक की है महादशा अंतरदशा कोई भी तो वो क्या है कि अच्छा फल देने वाली है, इसका अच्छा फल देने वाली है, कोई दिक्कत नहीं। बृहस्पति का दूसरा हाफ अच्छा निकलेगा, हाँ बृहस्पति का पहला खराब निकलेगा आगे का फिर आधा अच्छा निकलेगा, तो इसमें तो क्या है कि यही ध्यान रखना है, सबसे पहले अपने को महादशा को देखना है और उसमें यही देखना है कि महादशा पूरी सही है या आधी सही है, कौन सी शुरू की आधी सही है या बाद की आधी सही है, क्या स्थिति है, मतलब इसकी पंजाब में लिखा हुआ दिख जाएगा
नहीं पंचांग में ये तो आप जन्म कुंडली देखोगे, आप किसी की कोई जन्म कुंडली आप फलित कर रहे हैं तो आपको देखने की जरूरत है ना, ये तो कुंडली में मिलेगा, पंचांग की कहाँ जरूरत आ गई इसमें, पंचांग की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, पंचांग में तो कुछ नहीं देखना आपको इसका, ये तो उसी में ही आपकी दशा महादशा का चार्ट मिलेगा आपको कुंडली में, कुंडली में मिलेगा। हाँ जो भी जन्म कुंडली आप निकालोगे तो उसमें क्या है कि दशा महादशा का चार्ट साथ ही निकलेगा, तो आपको क्या है कि उसका विचार करना है इसमें। तो ये बात क्या है कि आपको अच्छी तरह से मतलब जो है ना समझ लेनी है कि मुझे क्या है कि सबसे पहले ये चीज देखनी है, तो है कि केंद्र और त्रिकोण की देख लें कि महादशा चल रही है कि नहीं। हाँ के, एक तो दोनों त्रिकोण, हाँ। एक ये केंद्र चारों, हाँ। एक क्या है कि धन भाव, बस इसकी देखे। हाँ चार दो छह और एक सात हो गई, अगर ये सात जो है इनके मालिक की कोई दशा महादशा चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि उसमें यही है कि दो राशि आती है ना जैसे, तो दो राशि वाला देख लेंगे दूसरी राशि कहीं अनिष्ट वाले में तो नहीं जा रही किसी की, ये है। फिर दूसरा स्टेप है कि हम 3, 6, 8 और 11 भाव का देखें। हाँ इनके मालिक की तो नहीं है या ये कोई अंतर प्रत्यंतर में तो नहीं आ रहे हैं, तो प्रत्यंतर भी इसी हिसाब से बट जाता है इनका, जैसे महादशा बटती है वैसे ही, जैसे मान लीजिए इसमें शुक्र का प्रत्यंतर चल रहा है महादशा तो अच्छी, जैसे महादशा तो मंगल की है मान लीजिए, या महादशा क्या है कि जैसे चंद्रमा की चल रही है लग्न इसकी, लेकिन अब उसमें शुक्र का प्रत्यंतर चल रहा है, तो शुक्र का प्रत्यंतर चल रहा है तो वो शुक्र का प्रत्यंतर भी बट जाएगा आधा आधा, ये है कि आधा प्रत्यंतर रहेगा वहां तक तो अच्छा फल मिलेगा, आधे प्रत्यंतर में अच्छा फल नहीं मिलेगा, ये है। हालांकि उसमें क्या है कि फल जो मिलेगा जिस भाव में फल मिलने की संभावना उसमें भी उसको आधा ही फल मिलेगा, क्यों मिलेगा क्योंकि दोनों विरोधी ग्रह, चंद्रमा का शुक्र शत्रु है, तो इसलिए क्या है कि उसको पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी, आधी सफलता मिल सकती है या फिर हो सकता है कि वो भी ना मिले, तो इसलिए क्या है कि ये चीज अपन को सबसे पहले देखने की है। सही है, हाँ मतलब ये है कि ये जो प्लस है ना उनकी स्वामी की जो महादशा होगी वो तो अच्छी है, और जो माइनस वाले हैं उनके महादशा मतलब जो है वो ठीक नहीं है। अब कुछ मतलब ऐसे आ जाते हैं जो इस स्थान के भी मालिक है, इस स्थान के भी मालिक है जैसे मान लीजिए, या इसके भी मालिक है और इसके भी मालिक है, तो उसमें क्या है कि आधा सही निकलेगा आधा समय खराब निकलेगा, पूर्व नहीं है उसमें, यही है कि पहले कौन सा आएगा, पहले अगर प्लस आता है गिनती में जैसे इधर से अपने नंबर लगे हुए हैं ना, तो जो पहले आएगा उसी के हिसाब से वो मतलब फल निर्धारित होगा, ये है। हाँ ये प्लस माइनस, ये दोनों तरह का ही फल होता है इसमें, मतलब ज्यादा खराब भी नहीं कर सकते इसको, ज्यादा मतलब अपन जो है ना। हाँ सर अगर इनमें कोई ग्रह बैठे हुए हैं वो बाद की बात है, वो अभी नहीं, अभी आप पहले एक बात को आप मतलब अपने दिमाग में आप इस बात को स्थापित कर लो, वो चीजें तो बाद की है, वो तो बाद में बताएंगे कि क्या है क्या नहीं होगा, लेकिन एक बार आप क्या है कि इसको थोड़ा सा अपने मन में रख ले कि भाई ये मुझे इस तरह से देखना, क्योंकि आप जितने भी पुस्तक पढ़ेंगे ना उस पुस्तक में कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई ये महादशा मतलब एक आदि आदि बटेगी कि नहीं बटेगी कि क्या होगा, कि आप कितने ग्रंथ पढ़ लो आपको कहीं नहीं वो मिलेगा, के हिसाब से लिखा होता है कि जो महादशाएश होता है। हाँ 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 उसके और जो दशा लॉर्ड होता है उनका जो रिलेटिव प्लेसमेंट होता है उसके हिसाब से। हाँ हाँ महादशा मंगल की चल रही है और मंगल है नहीं, वो तो बिना कुंडली के अपन कुछ भी नहीं कह सकते ना उस विषय में, ये है ना कुंडली है नहीं वो तो है, तो एक पहले इसकी महादशा चल रही है। हाँ अभी हाँ, और हाँ, आठवें का भी स्वामी है वो, आठवां या ये भाव मतलब, तो दसम है ना, दसम भाव में वृश्चिक राशि आ रही है और तीसरे भाव में मेष राशि आ रही है। हाँ तो इसमें आदि महादशा शुरू की खराब निकलेगी, उसके बाद में आदि महादशा जो है वो ठीक निकलेगी, नहीं उसमें हो सकता है कि और भी कोई कारण रहा हो, कोई वो नहीं, केवल अपन इसी को आधार मान करके सारा फलित थोड़ी कर देंगे, ये तो एक पहले आपको प्राथमिक चीज देखने की है, ये है। अब उसमें आपका कोई काम नहीं बना मान लीजिए इस पीरियड में, अच्छा पीरियड तो है उसका, लेकिन अब उसमें क्या बाधा है, अब इसका तो आपको आगे जब पढ़ेंगे अपन तो उसमें कई तरह की चीजें आएंगी, तो आप ये मान के मत चलिए अच्छे का मतलब ये नहीं कि मेरे सारे काम ही हो जाएंगे, ये नहीं है, ये है।
तो और भी कोई बाधा हो सकती है जिससे आपके किसी काम में कोई बाधा आई हो, वो बात हो सकती है, लेकिन इतनी खराब नहीं निकलेगी जितनी इन स्थानों की निकलती है, ये है। तो शुरू शुरू में जो, जैसे मान लीजिए आदि है, तो आदि तक तो आपको हो सकता है कि उसमें कुछ हानि भी हुई हो, कुछ नुकसान भी हुआ हो, कुछ रोग बीमारी भी हुई हो और कुछ भी हुआ हो, लेकिन इसमें वो वैसी बात नहीं होगी, ये है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई लंबा चलता, जैसे कोई बीमारी इसमें हो गई, अब वो बीमारी मिटी नहीं, तो अब वो इसका फल नहीं है, वो तो पहले से ही आपको जो है हो गया, तो अब उसका क्या करे कोई। ये जो चीज आते बताई ना, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ वाली, हाँ हाँ, कहीं पढ़ी नहीं है। हाँ, मैंने भी नहीं पढ़ी। तो ये क्या है कि ये चीज जो है आपको विचारने की है, इसके आधार पर आगे हम जो है ना वो फलित करेंगे। फिर दूसरी बात क्या है कि इसमें अंतर भी आ जाता है। अंतर इसलिए आ जाता है कि पहले तो आप कुंडली चेक करेंगे कि वो कुंडली सही है कि नहीं है। ये भी क्या है कि उसमें बड़ी समस्या है, क्योंकि उसके भी कई जो है ना वो पैरामीटर है, लेकिन अब वो भी कोई समय होगा तब अपन करेंगे। अब तो अपन वास्तु वाले पर चर्चा करते हैं।